Hello everyone, welcome back to my channel Adity once again. So in today's video we will discuss some physics questions which can be important for your entrance exam, that is BSc Nursing CNET. तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इस वीडियो में मैं बताऊँगी जो कि पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी प्रैक्टिस करवाऊँगी इस वीडियो में. मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँगी ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं नर्सिंग के ही, अदर अदर स्टेट के हैं, राइट. तो ये जो थ्योरिक पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट मैरिज इज़ ड्यू टू, मैरिज किसकी वजह से होता है. ऑप्शंस दिए हैं इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो मैरिज जो होता है वो अनइक्वल हीटिंग की वजह से होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन द एटमॉस्फेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, ऑल दो ईजी क्वेश्चन है बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ. ऑप्शन है टाइम, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और द डिस्टेंस. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज डिस्टेंस. जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है. द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, जो लाइट होती है वो सन से अर्थ में कितने टाइम में पहुँच जाती है. ऑप्शंस हैं 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट्स, 16 मिनट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 8 मिनट्स. ये क्वेश्चन जो है वो आपका CNET 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था विद द सेम ऑप्शंस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 8 मिनट्स. डैश इज नॉट यूज्ड इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिजिक्स के फील्ड में यूज़ नहीं किया जाता है. स्टॉक वैल्यू, लैटेंट हीट, न्यूक्लियर फ्यूजन और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्टॉक वैल्यू. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है. डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और द डायलिसिस. तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे कम होगी जब लाइट किस से पास हो, वाटर से, एयर से, वैक्यूम, ग्लास. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ग्लास. जब लाइट ग्लास से पास होगी तो स्पीड उसकी सबसे स्लो हो जाएगी, यानी सबसे कम हो जाएगी. द स्टार appears टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं. ऑप्शंस हैं द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो स्टार्स होते हैं वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो उसके अपोजिट होता है, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रेडियो कार्बन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फियर एज रिजल्ट ऑफ, जो रेडियो कार्बन होता है वो एटमॉस्फियर में किस वजह से प्रोड्यूस होता है, किसका रिजल्ट होता है. ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, पर्टिकुलरली कॉस्मिक रेज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, कॉलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लिक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लाइटनिंग डिस्चार्ज इन एटमॉस्फियर. करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज कॉलिजन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका न्यूक्लियाई और जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन होने की वजह से रेडियो कार्बन प्रोड्यूस होता है इन द एटमॉस्फेयर. न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन अ यूनिट नेम्ड, न्यूक्लियर साइज जो होती है उसको किस यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला में, न्यूटन में, एंगस्ट्रॉम में और द फर्मी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज फर्मी. ये क्वेश्चन भी 2022 एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूछा गया है. सारे क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन है इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ये ना समझे कि बहुत ईजी है तो हम कर लेंगे, बट ये आए हुए क्वेश्चन है, दैट्स वाई यू हैव टू सी इट वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, प्लैनेट्स ट्विंकल यानी चमकते नहीं है क्यों, जैसे कि तारे चमकते हैं वैसे हमारे जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं चमकते हैं. ऑप्शंस हैं दे आर नियरर टू अर्थ एंड हैंस वी रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि ये जो है प्लैनेट हैं वो अर्थ के बहुत पास होते हैं इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होती है. दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये बहुत दूर होते हैं अर्थ से इसीलिए कम लाइट यानी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें रिसीव होती है. ऑप्शन सी है दे इमिट लाइट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, एक ही इंटेंसिटी की लाइट इमिट करते हैं, देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम.
टाइम के साथ इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो चेंज नहीं होता, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। जैसे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ दे आर नियरर टू अर्थ एंड हैंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि ये अर्थ के बहुत ही पास होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्टार्स के कंपेरिजन में अगर देखें तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के काफ़ी पास होते हैं और हमें जो लाइट उनसे रिसीव होती है वो ग्रेटर अमाउंट यानी ग्रेटर इंटेंसिटी की होती है, इसलिए हमें वो चमकते हुए नज़र नहीं आते। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, कोई पेपर है उसमें अगर इंक गिर जाए तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, सिफॉन एक्शन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लॉटिंग, कैपिलरी एक्शन फिनोमेना होगा या विस्कोसिटी ऑफ इंक होगा। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। रडार इज़ यूज फॉर, हम रडार का यूज़ क्यों करते हैं? ऑप्शन है फॉर रिसीविंग अ सिग्नल इन अ रेडियो रिसीवर, लोकेटिंग सबमर्ज सबमराइन, लोकेटिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एरोप्लेन्स। हमें एरोप्लेन्स वगैरह जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए या उनको लोकेट करने के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं। साउंड वेव्स इन एयर आर, एयर में जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल, पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स। तो करेक्ट आंसर इज होगा बी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से नीचे अगर होगी तो हम उस साउंड को क्या बोलेंगे, ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, सुप्रासोनिक्स और अल्ट्रासोनिक। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंफ्रासोनिक। सेलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ऑप्शन है प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो एज वी ऑल नोट कि यहाँ पे जो ये तीन ऑप्शन है इन तीनों में ही मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है, दैट्स वाई दीज ऑल आर वैक्टर क्वांटिटी। तो हमारा आंसर बचा ए ऑप्शन, दैट इज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों? बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। द एटम्स आर लाइटली पैक्ड, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, फेजर, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, कौन सी क्वांटिटी है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, जो साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलेगा, वाटर में, स्टील में, एयर में और द वैक्यूम। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 माइक्रॉन्स इज इक्वल टू, 1000 माइक्रॉन किसके बराबर होते हैं? तो 1000 माइक्रॉन को अगर हम मीटर में पहले चेंज करें तो उसकी वैल्यू होती है 10^-6 मीटर, राइट? अब 1 माइक्रॉन की वैल्यू होती है 10^-6 मीटर। अब इसमें 1000 माइक्रॉन का बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 10^3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10^-3 मीटर, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये 1000 माइक्रॉन, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस विच, सुपर कंडक्टर कैसे सब्सटेंसेज होते हैं? ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दैट इज ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होता है उसमें कोई भी बाधा यानी कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते। रेडियो टेलीस्कोप्स आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बिकॉज, जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्यों? बिकॉज दे कैन डिटेक्ट फैंट गैलेक्सीज विच नो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैन, दे कैन वर्क इवन इन क्लाउडी कंडीशंस, दे कैन वर्क ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर उसका होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये पूरा दिन काम कर सकते हैं, डे या नाइट में भी, दे कैन वर्क इवन क्लाउडी कंडीशन, क्लाउडी अगर बादल हैं या क्लाउडी कंडीशन है तब भी ये काम करते हैं। दे कैन डिटेक्ट द फैंट गैलेक्सीज विच नो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैन, जो अदर टेलीस्कोप नहीं कर सकते ये दूसरी गैलेक्सीज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं फैंट, जो मतलब प्रॉपर तरीके से बाकी टेलीस्कोप से नहीं दिखती हैं उनसे ये दिख जाते हैं, राइट? तो रेडियो टेलीस्कोप का ये यूज़ होता है, दैट्स वाई दीज आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
रेनबो इज ड्यू टू, रेनबो क्यों बनता है, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, आयनाइजेशन ऑफ वाटर डिपॉजिट। करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेन, आइसोटोप्स में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। द पर्पज ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में हम आपने देखा होगा चोक होता है एक, तो उसका क्या पर्पज होता है, वो क्यों यूज़ किया जाता है, टू इंड्यूस लो रेजिस्टेंस, टू इंड्यूस हाई वोल्टेज, टू इंड्यूस लो वोल्टेज, टू इंड्यूस हाई रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू इंड्यूस हाई वोल्टेज, चोक का काम ट्यूबलाइट में हाई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सी वी रमन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ रेडिएशन। सी वी रमन ने नोबेल प्राइज़ विनर है ये, इनको क्यों नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने कौन से फिनोमेना पे वर्क किया था, जो कि ऑप्शन में आपके गिवन है, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में या फिर पोलराइजेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद द स्पीड, जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं वो किस स्पीड से उड़ सकते हैं, साउंड की स्पीड के बराबर, लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड और द स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा स्पीड से ये उड़ सकते हैं, दैट्स वाई इनको हम सुपरसोनिक बोलते हैं, सबसे सुपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और द स्कैटरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन, मर्करी इज कॉमनली यूज एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड रादर देन वाटर बिकॉज, हमने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है हमारा, तो हम हमेशा थर्मामीटर में मर्करी फिल करते हैं, वाटर क्यों नहीं फिल करते हैं, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ मर्करी इज मोर देन वाटर, क्योंकि जो मर्करी की डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। ऑप्शन बी बोल रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मर्करी इज लेस देन वाटर, जो स्पेसिफिक हीट होती है मर्करी की वो वाटर से कम होती है इसलिए हम फिल करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ मर्करी इज मोर देन वाटर और द मर्करी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी देन वाटर। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा डी, दैट इज मर्करी हैज़ ग्रेटर विजिबिलिटी इन देन वाटर, वाटर के कंपेरिजन में मर्करी में ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, दैट्स वाई वी फिल मर्करी इन द थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ वाटर। लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं, जो LED बल्ब्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज इन फैंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टॉयज इमिट, टॉयज़ वगैरह में हम LED लाइट्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या इमिट करते हैं, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव्स और द विजिबल लाइट। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज विजिबल लाइट, जो हम देख सके, जिससे कि वो चमकता है वो टॉय या जो कोई खिलौना है, तो उसमें हम इसीलिए LED जो लाइट होती है उसे हम यूज़ करते हैं। देन फिर यहाँ और अदर क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये MCQ टाइप्स नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थ्योरी किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका AIIMS PSC नर्सिंग में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। नेक्स्ट बोल रहा है, रेक्टिफायर एज अ डिवाइस कन्वर्ट करेंट इन विच मैनर, जो रेक्टिफायर होता है इसका क्या काम होता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, AC को DC में, DC को AC में, या फिर DC AC इन द सेंस इलेक्ट्रिक करंट और द डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मास, मास की SI यूनिट क्या होती है, तो मास हमारा किलोग्राम में हम लोग उसको मेजर करते हैं। फिर बोल रहा है, व्हाट इज चार्ज इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर क्या चार्ज होगा, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो भी क्लोज सरफेस होता है उसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। सो अगर ऑप्शन में ज़ीरो होगा तो आप लोग ज़ीरो आंसर टिक करेंगे। विच डिवाइस यूज टू रेगुलेट वोल्टेज, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है ज़ेनर डायोड।
फिर है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया और इसको मैंने इसके पहले भी जितने भी फिजिक्स क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बताएं हमेशा ये क्वेश्चन आया ही है। आपने देखा होगा एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू, जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि जो लाइट है वो स्कैटर करती है इस वजह से। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई मेथड, तो टेम्परेचर का एसआई मेथड में क्या यूनिट होती है, तो होती है केल्विन। व्हाट डज नॉट चेंज इन मीडियम, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी। किसी भी मीडियम में चेंज होने में, मतलब अगर मान लो कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम चेंज करने पे इन तीनों में से क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, स्पीड, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम चेंज होने पर कभी चेंज नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन यूज टू गेट सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट से सिग्नल पाने के लिए हम कौन सी वेव्स का यूज़ करते हैं, तो ये होती हैं स्पेस वेव्स। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हाइड्रोमीटर। रिमेंबर ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों सिमिलर टर्म है। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर, HYGRO होता है, ये जी और डी का डिफरेंस है यहाँ पे, तो वो हाइग्रोमीटर होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बोला जाए तो ये हाइड्रो यानी DRO होगा, तो ये याद रखना। इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एज वी ऑल नो कि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जिससे कि वो बड़ी दिखाई दे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कहाँ पर मैक्सिमम होता है हमारी अर्थ में, इक्वेटर पे और द पोल, तो आंसर होगा पोल्स। विच फोर्स इज ग्रेटर, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ग्रेविटेशनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो करंट जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक हमें अगर हिलाना है, उसको लेके जाना है, तो उसको मूव कराने के लिए हम कौन से टाइप ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूवमेंट से रिलेटेड होती है। फिर नेक्स्ट है इज़ एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यस, क्योंकि इसमें दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो होता है वो हमारा डायमेंशन लेस होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज़ बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो, कौन सा ऐसा टेम्परेचर स्केल होता है जो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर डिपेंड होता है, तो वो होता है केल्विन स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज वॉज मेड बाई CV Raman, सी वी रमन ने कौन सी डिस्कवरी की थी, तो यह अभी हमने MCQs में भी देखा था कि उनको नोबल प्राइज़ मिला था, किस वजह से, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी इन इलास्टिक स्कैटरिंग लाइट बाई मॉलिक्यूल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इन्होंने वर्क किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ, लेंथ के टर्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो वो होती है फर्मी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आंसर हो जाएगा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट, हाइट के साथ साथ जो हमारा जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डिक्रीज होता है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के पास अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट। विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, सो करेक्ट आंसर इज MVR। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर वंडरवॉल फोर्स टू बी एक्टिव, वंडरवॉल फोर्स को एक्टिव होने के लिए कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए तब वंडरवॉल फोर्स जो है वो काम करेगा, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 10 से 9 मीटर होनी चाहिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाई ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, ये MCQ में भी सेम क्वेश्चन था। न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस इन यूनिट नेम्ड फर्मी, ये भी अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियर साइज जो होता है वो फर्मी में
मीज़र किया जाता है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। वॉट डिवाइस इज़ यूज बाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन लाइट डिटेक्शन टेस्ट। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, एक लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है जिस मशीन का यूज़ करके हम किसी भी पर्सन का झूठ पकड़ पाते हैं। तो उसमें क्या लॉ होता है, क्या मतलब उसमें यूज़ किया जाता है, तो वो होता है पॉलीग्राफ। वॉट इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ। अर्थ के पास में सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, तो ये होती है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई ऑन, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है वो किस पर अप्लाई होता है, तो दो अलग अलग बॉडीज़ पर ही ये काम करेगा। अगर सेम बॉडी है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा। कैंडेला इज ऐसा यूनिट ऑफ, जो कैंडेला होती है वो किसकी ऐसा यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैरिज इज़ ड्यू टू, अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा था, जो मैरिज होता है वो अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमोसफियर की वजह से प्रोड्यूस होता है। लाइट एमिटिंग डायोड का हम यूज़ करते हैं फैंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जैसे कि टॉयज़ वगैरह, ड्यू टू विजिबल लाइट। मरकरी इज़ कॉमनली यूज इन अ थर्मोमीटर फ्लूइड रादर देन वाटर, बिकॉज अभी हमने देखा था क्योंकि मरकरी जो होती है उसका ग्रेटर विजिबिलिटी होता है देन वाटर। लाइट फ्रॉम द स्टार अल्फा सेंचुरी विच इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन रीचेज द अर्थ इन, जो लाइट होती है स्टार से अर्थ में कितने टाइम में पहुँचती है, वो होती है 4.2 ईयर्स। स्केलर्स आर क्वान्टिटीज दैट आर डिस्क्राइब बाई, स्केलर क्वान्टिटी को हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, तो ऐसी क्वान्टिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैंने अभी आपको कई बार बताया कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वान्टिटी बोलते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड ओनली बाई मैग्नीट्यूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्टर आर द क्वान्टिटीज दैट आर डिस्क्राइब बाई, तो वैक्टर क्वान्टिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उन्हें हम वैक्टर क्वान्टिटी बोलते हैं। देन फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वीडियो का वो है व्हाट इज़ द मैट्रिक यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की मैट्रिक यूनिट मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है इन द सेंस सिंपल वे में, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हम फोर्स को हमेशा न्यूटन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में ही मेजर करते हैं, राइट। तो 40 क्वेश्चन तो ये ऐसे ही हो गए, और MCQs में भी मैंने अराउंड 30-40 क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दिए। ये कुछ लाइक 80+ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और ये जो भी 80+ क्वेश्चंस थे इसमें से 5-10 क्वेश्चन को छोड़ के एटलीस्ट 70+ जो क्वेश्चन हैं आप मान के चलो ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से तो ऐसे भी हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग में भी पूछे गए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, एंड बाकी तो आपका जो इसके पहले जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ है CNAT का भी, अदर स्टेट्स का, तो उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन में फिर से, मतलब आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।